देखिए आफ्टर गुडविल, जब हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हमें क्वेश्चन में देखनी होगी एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स हमारे पास जो कॉमन एडजस्टमेंट आती है, पहली एडजस्टमेंट हमारे पास आती है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, इंट्रा ग्रुप सेल ऑफ गुड्स, पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजेक्शन। ये भी बेसिक ट्रांजेक्शन है, F3 के अंदर पढ़ाई जा चुकी है, नई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसमें दो सिनेरियोज बन सकते हैं। एक सिनेरियो ये होगा कि पेरेंट कंपनी सेल कर रही होगी, और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि सब्सिडरी कंपनी सेल कर रही होगी। अच्छा, जब पेरेंट सब्सिडरी को सेल करेगा या सब्सिडरी पेरेंट को सेल करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंटिटीज अपने अपनी इंडिविजुअल बुक्स के अंदर ये रिकॉर्ड करेंगी। तो जब पेरेंट सेल कर रहा होगा तो पेरेंट एंट्री पास करेगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और जो सब्सिडरी है वो रिकॉर्ड करेगा परचेजेस डेबिट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कर दें, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये नॉर्मली एंट्री पास होगी। इसका मतलब है एक पार्टी की बुक में रिसीवेबल होगा फ्रॉम अदर पार्टी और दूसरी पार्टी की बुक में पेबल होगा टू अदर पार्टी। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज थी, सपोज उसकी कॉस्ट थी 10,000, उसके ऊपर पेरेंट ने प्रॉफिट लिया 2,000 का और वो सेलिंग प्राइस हो गई 12,000 की। तो 10,000 वाली चीज पेरेंट ने सब्सिडरी को 12,000 की बेच दी। अच्छा, इंडिविजुअल कंपनीज में तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको रिकॉर्ड करें, लेकिन जब ग्रुप अकाउंटिंग करेंगे तो ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर ये जो प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड किया है ना बिटवीन देम, ये प्रॉफिट कहलाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ग्रुप अकाउंटिंग में नहीं जा सकता। लेकिन जब हम दोनों कंपनीज को मर्ज करते हैं तो उन दोनों कंपनीज के रिजल्ट में ये प्रॉफिट भी मर्ज हो जाता है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो जब भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में से रिमूव करना पड़ेगा। इसका हम नाम दे देते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, PURP लिखा हुआ होता है। तो हम इसके रिमूवल की एंट्री पास करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे और इसके रिमूवल की एंट्री पास करेंगे। अच्छा, एंट्री क्या पास होगी, अगर पेरेंट सेलर है तो एंट्री पास होगी प्रॉफिट को रिमूव करने की, रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे और स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे। तो जो अफेक्ट है अनरियलाइज प्रॉफिट का वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर सब्सिडरी सेलर होगा तो ये प्रॉफिट जो है ये कमाया होगा सब्सिडरी ने, तो ये पड़ा हुआ होगा सब्सिडरी की बुक्स में। अच्छा, सब्सिडरी की बुक्स में जो कुछ होता है उसमें पेरेंट का भी शेयर होता है और NCI का भी शेयर होता है। तो एंट्री में एक फर्क आएगा कि पेरेंट के शेयर से हम रिटेन अर्निंग डेबिट करेंगे, NCI के शेयर से हम NCI डेबिट करेंगे और स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे। आप देखें, नोट करें, दोनों एंट्रीज में कॉमन क्या है। पर क्रेडिट साइड, रिटेन रिटेन क्रेडिट साइड अर्निंग कॉमन है, क्रेडिट साइड कॉमन है, स्टॉक क्रेडिट कॉमन। यस रिटेन अर्निंग एक में डेबिट हो रही है फुल अमाउंट से और एक में डेबिट हो रही है पार्शियल अमाउंट से, रिटेन अर्निंग यानी के रेशियो में। तो डेबिट साइड चेंज होती है, क्रेडिट साइड तो वही है, सेम स्टॉक क्रेडिट होगा। अब इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि बाज दफा क्या होता है, पेरेंट सब्सिडरी को बेचता है या सब्सिडरी पेरेंट को बेचता है, तो कुछ गुड्स वो आगे किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। तो हमें जो प्रॉफिट निकालना है इन बिटवीन, उसमें हमें देखना है कि कितना अनरियलाइज्ड है। प्रॉफिट नहीं रिमूव करेंगे हम अनरियलाइज प्रॉफिट रिमूव करेंगे, और अनरियलाइज प्रॉफिट वो होगा जो विद इन द ग्रुप होगा, जो स्टॉक विद इन द ग्रुप बचा हुआ होगा उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट होगी। तो क्वेश्चन में वो बताएगा कि कितना स्टॉक विद इन द ग्रुप है और कितना स्टॉक थर्ड पार्टी को आगे सेल किया जा चुका है। और इसके अंदर मार्कअप और मार्जिन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है बेसिक, कि हमने जी 20% मार्कअप पे बेच दिया या हमने मार्जिन 25% चार्ज कर लिया। तो मार्कअप और मार्जिन से हम प्रॉफिट निकालेंगे, उस प्रॉफिट में देखेंगे अनरियलाइज कितना है, फिर देखेंगे सेलर कौन है, और फिर अकॉर्डिंगली अगर पेरेंट सेलर होगा तो ये वाली एंट्री पास कर देंगे और अगर सब्सिडरी सेलर होगा तो ऑल्टरनेट एंट्री पास कर देंगे। ये अभी क्वेश्चन में आएगा, उसको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे।
फिर क्या होगा कि जब एक दूसरे को सेल कर रहे होंगे तो आपस में रिसीवेबल्स और पेबल्स खड़े हुए होंगे, इंटर कंपनी बैलेंसेस खड़े हुए होंगे। जैसे सपोज पेरेंट की बुक्स में, अगर पेरेंट सेलर है तो पेरेंट्स की बुक्स में एक रिसीवेबल होगा, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, सपोज 1 लाख का। तो वही सेम दूसरी पार्टी की बुक्स में क्या बन जाएगा, सब्सिडरी की बुक्स में क्या होगा, पेबल टू पेरेंट 100,000। अगर ये अकाउंट्स जो हैं दोनों आइडेंटिकल अमाउंट के हैं ना, तो हम इंटर कंपनी बैलेंसेस को भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि ग्रुप के अंदर आपस के बैलेंसेस नहीं रहने चाहिए, ग्रुप इज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। तो अकाउंट रिसीवेबल पड़ा हुआ है पेरेंट की बुक्स में, सब्सिडरी की बुक्स में पेबल पड़ा हुआ है, हम इसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंट्स पेबल को डेबिट करके कैंसिल कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे, जैसे हम कॉन्ट्रा की एंट्री पास करते थे कंट्रोल अकाउंट के अंदर, ये इसकी कैंसिलेशन की एंट्री पास हो जाती है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको एग्जाम में ये बताए कि जी एक पार्टी की बुक्स में पेबल अलग है और दूसरी पार्टी की बुक में पेबल रिसीवेबल अलग है, तो हम कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है। सपोज पेरेंट की बुक्स में रिसीवेबल मौजूद है 1 लाख का और सब्सिडरी की बुक्स में पेबल मौजूद है 80,000 का, तो अब ये डिफरेंस क्यों आया होगा, हमें इस डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वन ऑफ द सर ये रीजन, प्रॉफिट वन ऑफ द रीजन नहीं, प्रॉफिट की वजह से नहीं, वन ऑफ द रीजन जो डिफरेंस का आया होता है ना, एक रीजन क्या होता है, कैश इन ट्रांजिट, चेक इन ट्रांजिट, एक पार्टी ने पैसे भेज दिए लेकिन दूसरी पार्टी को पैसे रिसीव नहीं हुए, तो इसलिए 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। सब्सिडरी ने 20,000 का चेक पेरेंट को भिजवा दिया, पेरेंट को मिला ही नहीं, तो सब्सिडरी ने तो अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर दिया, पेरेंट को मिला नहीं इसने, उसने रिसीवेबल को खत्म नहीं किया। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिफरेंस, हमें सवाल में मेंशन होगा डिफरेंस की वजह क्या है। सपोज मैं डिफरेंस की वजह लेता हूँ कैश इन ट्रांजिट, ये डिफरेंस की वजह है। तो जब हम कंसोलिडेशन की एंट्री पास करेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कैश रिसीव हो चुका, तो हम क्या करेंगे, कैश को रिकॉर्ड करेंगे, कैश रिसीव हुआ, और रिसीवेबल और पेबल को कैंसिल कर देंगे। अकाउंट्स पेबल 80,000 का था, डेबिट किया, और अकाउंट रिसीवेबल कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख का, बन गई डबल एंट्री। तो जब डबल एंट्री, जब आपका पेरेंट का यस सर रिसीवेबल और सब्सिडरी का पेबल बैलेंस ना हो रहा हो ना, तो आपको रीजन आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे पास दो रीजन आ सकते हैं, एक कैश इन ट्रांजिट होगा और एक इन्वेंट्री यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट आएगी, उन दोनों में से कोई भी एक एडजस्टमेंट लेंगे और रिसीवेबल पेबल को हम क्या कर देंगे, आपस में एडजस्ट करके बराबर कर देंगे। अभी हम बेसिक दो एडजस्टमेंट पे बात कर रहे हैं, बाकी एडजस्टमेंट एज पर क्वेश्चन आगे आएगा तो क्वेश्चन में बात करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट डेट के ऊपर हम निकालेंगे कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, ऑल्सो कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व्स, इसकी वर्किंग करेंगे सीआरई। इसकी वर्किंग कैसे होगी, पेरेंट की 100% रिटेन अर्निंग लेंगे बैलेंस शीट डेट के ऊपर फुल, इसमें ऐड करेंगे सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयरिंग, शेयरिंग इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी। हमने वो जो टू कॉलम अप्रोच इस्तेमाल की थी ना नेट एसेट की, एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट, उसका जो डिफरेंस आ रहा होगा ना वो कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उसके ऊपर हम पेरेंट की परसेंटेज चार्ज करके इसके अंदर ये ऐड कर लेंगे। और उसके बाद जो भी हमारी एडजस्टमेंट्स आई होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्पेयरमेंट इन गुडविल जो रिटेन अर्निंग को हिट कर रही है, जो रिटेन अर्निंग को अफेक्ट करेंगी, वो इसमें से एडजस्ट कर देंगे। एक कॉमन एडजस्टमेंट है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, वो रिटेन अर्निंग को कम कर देगी। एक कॉमन एडजस्टमेंट है पी यू आर पी, अनरियलाइज प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट, वो इसमें से माइनस कर देंगे। फिर लेटर ऑन कोई और एडजस्टमेंट आएगी तो वो सवाल के साथ देखेंगे। तो ये आपकी रिटेन अर्निंग की जो वैल्यू है, ये एस ओ एफ पी या एस एफ पी के अंदर, कॉन्सोलिडेटेड एस एफ पी के अंदर जाएगी।
कि बेसिक चीज क्या है, पेरेंट की रिटेन अर्निंग लेंगे, सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में परसेंटेज लेंगे, ये हमारे पास गुडविल के लिए जो हमने नेट एसेट की वर्किंग की होगी ना, ये वहां से आ जाएगा। टू कॉलम का डिफरेंस ये वहां से आ जाएगा, और ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स होंगी, ये एडजस्टमेंट जो हमने बनाई भी होंगी वहां से उठा लेंगे। उसके बाद हम जम करेंगे एनसीआई के ऊपर, एनसीआई रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। हमने बात की थी फुल गुडविल मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, अभी हम फुल गुडविल मेथड पे फोकस कर रहे हैं। तो एनसीआई निकालने के लिए हम स्टार्ट लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, जो कि हमारी गुडविल की कैलकुलेशन में ऑलरेडी मौजूद होगा, उसी फिगर को हम लेंगे। उसके अंदर प्लस कर देंगे शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी, ऊपर जो हमने रिटेन अर्निंग में पोस्ट प्रॉफिट लिया है ना, उस पोस्ट प्रॉफिट में आप एनसीआई को शेयर दे देंगे रिमेनिंग बेसिक एडजस्टमेंट में। उसके बाद इसके अंदर एडजस्टमेंट चार्ज करेंगे, अगर इम्पेयरमेंट का अफेक्ट एनसीआई पे पड़ेगा तो इम्पेयरमेंट माइनस होगी, अगर इम्पेयरमेंट का अफेक्ट एनसीआई पे नहीं पड़ेगा तो इम्पेयरमेंट माइनस नहीं होगी, कभी पड़ेगा कभी नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से पीयूआरपी का अफेक्ट एनसीआई पे पड़ेगा तो माइनस करेंगे, वरना माइनस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर नोट कर लें कि इम्पेयरमेंट का अफेक्ट कब आएगा, जब फुल गुडविल मेथड होगी तब हमेशा इम्पेयरमेंट का अफेक्ट आएगा एनसीआई पे भी, और पीयूआरपी का अफेक्ट कब आएगा, व्हेन सेलर इज सब्सिडरी। अगर पेरेंट सेलर है तो हमने एंट्री पास की थी रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक क्रेडिट, तो एनसीआई का अफेक्ट आया ही नहीं, लेकिन जब सेलर सब्सिडरी होगा तो अफेक्ट आ जाएगा एनसीआई के ऊपर, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ये हमारी बेसिक एनसीआई की वर्किंग होगी। उसके बाद ये सारी वर्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कंबाइन करना है, क्योंकि F3 में बताया जा चुका है कि पेरेंट और सब्सिडरी को जब कंबाइन करेंगे तो क्या चीज़ लेंगे और क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है, वो हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ हमें लेनी है और क्या चीज़ हमें एक्सक्लूड करनी है। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर, नो सर। चलें अब हम आ जाते हैं एक बैलेंस शीट के क्वेश्चन के ऊपर। जो स्टेप्स मैंने बताए थे ना, स्टेप नंबर वन हम क्या करते हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेप नंबर टू हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टेप नंबर थ्री में हम एनसीआई निकालते हैं, स्टेप नंबर फोर में हम नेट एसेट्स निकालते हैं, स्टेप नंबर फाइव में गुडविल आएगी, स्टेप नंबर सिक्स में एडजस्टमेंट होगी, स्टेप नंबर सेवन में एनसीआई निकलेगा, स्टेप नंबर एट में रिटेन अर्निंग निकलेगी, और आखिर में हम इसको क्या कर देंगे, कॉन्सोलिडेट कर देंगे। अब देखें सवाल, देखें पास पेपर का क्वेश्चन। फर्स्ट जून 2020 डेट ऑफ एक्विजिशन, प्रीमियर एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ सैनफर्ड, तो ग्रुप स्ट्रक्चर क्या हुआ, हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर क्या हुआ, पी सर 80 ने परसेंट एस के 80% शेयर्स एक्वायर किए, तो एनसीआई कितना होगा, एनसीआर 20% कंट्रोल, ये हमारा, 80% ये हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। डेट यस सर। ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1 जून 2000, 2020, और बैलेंस शीट किस डेट पे बन रही है, सर उसी महीने 30 सितंबर, यानी उसके 2 महीने बाद, दो जून तीन महीने बाद। जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि ये मिड ईयर एक्विजिशन है, मीडिया और मिड एक्विजिशन, ईयर ठीक। एक्विजिशन में मैंने बताया था रिटेन अर्निंग में मसला आएगा, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन निकालने में प्रॉब्लम आएगी, उसको हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब हमने ग्रुप स्ट्रक्चर तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें कॉस्ट ऑफ यस सर। इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ टू एलिमेंट्स, एक उसने दिया है शेयर एक्सचेंज, तीन शेयर्स दिए हैं हर पांच के अगेंस्ट, और 8 लाख बिल्कुल का इमीडिएट कैश दिया है, इसमें कोई डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं है, 8 लाख का इमीडिएट ओके कैश सर। दिया है और शेयर एक्सचेंज हुए हैं, शेयर एक्सचेंज जो है वो उसने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने कैश रिकॉर्ड कर लिया होगा यस 8 लाख सर। का,
तो पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट डेबिट 8 लाख ये एंट्री पास की हुई, लेकिन शेयर एक्सचेंज की पेरेंट ने अपनी बुक्स में पास नहीं की। ठीक है, अच्छा हम पेरेंट की बुक्स में जाके देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितनी रिकॉर्ड हुई हुई। तो पेरेंट की अठारह बुक्स सौ में इन्वेस्टमेंट 1800 है, तो हम कहेंगे यार इस 1800 में से ये 800 तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, ये बाकी 1000 किस यस चीज सर के हैं। तो ये नीचे एडजस्टमेंट में हमें पता लगेगा ये 1000 किस चीज के हैं, ये कहाँ से है 1000। हो सकता है पेरेंट ने किसी थर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, ये 1000 उसके हों, सब्सिडरी के ना हो। ठीक है, यस सर तो ये बात हो गई। अच्छा अब हमें शेयर एक्सचेंज की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पेरेंट की शेयर प्राइस चाहिए। तो पेरेंट की शेयर प्राइस कितनी दी हुई? 5 5 दी हुई। नंबर ऑफ शेयर हमने कितने एक्वायर किए? 80%। 3/5 यस 80 सर एटी परसेंट फाइव 80% ये यस सर शेयर्स दिए हुए 5000 टोटल। तो ओके 5000 का 80% का मतलब है हमने 4000 शेयर्स एक्वायर किए। ठीक यस सर है, हम सबसे पहले जाकर शेयर एक्सचेंज की वर्किंग करते हैं और शेयर एक्सचेंज की वैल्यू निकालकर उसकी एंट्री पास करते हैं। तो शेयर एक्सचेंज का वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड पहले निकालते हैं। यस सर नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड 5000 का 80%, 4000 शेयर हो गए। यस सर अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने हैं जो पेरेंट ने टर्म्स दी हुई। तो 4000 हमारे शेयर्स हैं और टर्म्स क्या दी हुई थी? टर्म्स दी हुई थी 3/5 थ्री थ्री फॉर एवरी फाइव। थ्री यस सर फॉर एवरी फाइव का मतलब उसने 3 इशू किए हर 5 के बदले, तो यस सर सर ये 2400 2400 शेयर्स उसने इशू किए। यस सर अब इन 2400 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए पेरेंट की शेयर प्राइस चाहिए होगी, यस सर 5 दी 2400 शेयर्स और प्राइस है 5 ईच, पार वैल्यू 1 है। सर 12,000 बारह हजार की इन्वेस्टमेंट हो गई शेयर एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, यस सर अच्छा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट दिए हुए हैं, 8000 और 12000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? सर 20,000 हो गई ये परचेज कंसिड्रेशन ना सर ये परचेज कंसिडरेशन हो गई जो कि गुडविल में जाएगी। ओके सर ठीक है, ये 20000 आ गई। अच्छा इसकी एंट्री पास नहीं हुई है ना, 12000 की इसकी एंट्री पास करेंगे पेरेंट की बुक्स में। इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई 12000 से, यस सर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया 2400 शेयर इशू है ना, 2400 से, और प्रीमियम चला गया 2400 मल्टीप्लाई बाय 4, 90। सही सर वो पेरेंट की जो बुक्स है ना उसके अंदर हम इंक्रीज कर देंगे शेयर कैपिटल को और उसके प्रीमियम को भी क्या कर देंगे? इंक्रीज इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये इक्विटी वाली साइड जो होती है सर ये देखिए बैलेंस इक्विटी वाली साइड में जाके ये देखिए, ये पेरेंट की इक्विटी है 12000 की, यस सर इसके अंदर ये 2400 ऐड हुआ और अदर इक्विटी रिजर्व में डाल दें, प्रीमियम में डाल दें, बाकी बैलेंस ठीक है सर अलग हेड बना देंगे। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद हमें चाहिए होता है एनसीआई। सही है, तो हो सकता है एनसीआई हमें गिवन हो, चेक कर लेंगे। यस प्रीमियर पॉलिसी इज टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू, यानी कि फुल गुडविल मेथड। जब भी लिखा होगा एनसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, फुल गुडविल मेथड होता है। और थ्री थ्री कितनी दी हुई है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई? पॉइंट 3.5 फाइव मिलियन 3.5 मिलियन, ये गिवन है। ठीक है, यस सर अच्छा जो कॉन्सोलिडेटेड गुडविल आएगी ना उसमें 1.5 मिलियन की इम्पेयरमेंट आ चुकी है, इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट पास करेंगे। ओके सर ठीक है, सही अच्छा अब गुड कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आ गई, यस सर एनसीआई गिवन है। अब मेन जो काम है ना वो वो नेट है एसेट्स फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट के 2 कॉलम, यस सर और आपके फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन, उसकी डेट निकाल लेते हैं
और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट, ये की है। अगर ये सही बन गया ना तो आपकी गुडविल भी सही निकलेगी, एनसीआई भी सही निकलेगा और रिटेन अर्निंग भी सही, आगे रिटेन अर्निंग भी सही निकलेगी। 1 जून एंड 30 सितंबर, 1 जून 2x0 एंड 30 सितंबर 2x0। अच्छा, इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी आनी है, तो हम पहले जरा क्वेश्चन की कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज एसेट्स वर इक्वल टू दियर कैरिंग अमाउंट विद द एक्सेप्शन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की वैल्यू कम या ज्यादा है? दिस हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1.2 मिलियन बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट। नॉर्मली एडजस्टमेंट में हायर होता है, अपलिफ्ट होता है, ठीक है? जब अपलिफ्ट होता है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक होता है, ठीक है? इन्होंने क्या यस किया, सर, इन्होंने वैल्यू कर दी डाउन। और जब वैल्यू डाउन की होगी तो रिमेनिंग लाइफ 8 साल है, तो जब वैल्यू डाउन होगी तो डेप्रिसिएशन भी कम होगी। यस सर, और सब्सिडरी ने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ये एडजस्टमेंट नंबर वन आ गई हमारे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। एक ही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, उसके बाद फर्दर एडजस्टमेंट है नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 3 में, नोट नंबर 4 में, लेकिन वो गुडविल को हिट नहीं करेगी, वो बाद में बात करेंगे उसकी, ठीक है? तो हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स पे चलते हैं। हमें चाहिए सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, सब्सिडरी की यस रिटेन अर्निंग, ठीक है? तो हम फॉर्मेट बना के उसको निकालते हैं। देखिए, हमें चाहिए सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, यस सब्सिडरी सर, की रिटेन अर्निंग और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमारी किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टी और यस सर, उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सब्सिडरी की जो शेयर कैपिटल है ना, वो बैलेंस शीट डेट पे 5,000 दिया हुआ, तो हम ये एज्यूम करेंगे एक्विजिशन पे भी 5,000 है, सेम टू सेम रखते हैं हमेशा 5,000 आगे। यस सर, रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग डेट पे तो अक्सर गिवन होती है, रिपोर्टिंग डेट पे रिटेन अर्निंग है 4,500, ये हमने ले ली 4,500। एक्विजिशन पे गिवन नहीं है, क्योंकि मिड ईयर में अक्सर ऐसा होता है कि रिटेन अर्निंग वो आपको एक्विजिशन के ऊपर नहीं देता, तो उसके लिए अगर मुझे इस साल का प्रॉफिट पता लग जाए ना पूरा, तो मैं निकाल सकता हूँ इस साल का प्रॉफिट कितना है सब्सिडरी का, 3.9 मिलियन, 3,900 का प्रॉफिट। तो यस सर, अब देखें, यहाँ पे वर्किंग करता हूँ, ये टाइमलाइन चेक करें, ये है 30 सितंबर और ये बीच में आ रही है एक्विजिशन 1 जून की। तो 1 जून से 30 सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने? 4 महीने। ये रिटेन अर्निंग मुझे दी हुई है एंडिंग यहाँ पर 4,500, ये पूरा प्रॉफिट दिया हुआ है इस साल का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,900, 12 महीने, 12 मंथ्स की। तो अगर मैं 4,500 में से 4 महीने का प्रॉफिट डिडक्ट कर दूं, तो 1 जून 2020x0 की रिटेन अर्निंग आ जाएगी, 4 महीने पीछे ले आऊं तो 3,900 को डिवाइड करें 12 से और मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 महीने का प्रॉफिट आ जाएगी। थर्टीन हंड्रेड आ रहा सर 3900 सर, ये क्या, ये थोड़ा समझाएगा सर, थोड़ा ठीक है? सही सर। हम जून पे खड़े हैं यस सर, और हमें जाना कहाँ है, सितंबर में। यस सर, सितंबर की रिटेन अर्निंग दी हुई है 4,500, आना कहाँ पर है, अब हमें पीछे आना है, कितना पीछे आना है, जून पे आना है। जून तक तो जून से सितंबर कितने महीने बनते हैं? सर 4 महीने। तो इस रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट पूरा ऐड हुआ हुआ है ना 12 महीने का। 1 यस सर, अक्टूबर 2020x जो इससे पहले वाला दिया था, ये पूरे 12 महीने का प्रॉफिट ऐड होके तो 4,500 बने ना। तो अगर मुझे जब भी मिड ईयर में पीछे आना होगा तो मैं कहूँगा मुझे कितना पीछे आना है, इस सवाल में मुझे कितना पीछे आना है, 4 महीने, 3,900 पूरे 12 महीने का दिया भाई, यस सर, इसको मैंने 4 महीने में कन्वर्ट किया, ठीक सही है? अच्छा, अब देखें, इस 4,500 में से
अगर मैं 4 महीने का प्रॉफिट बैक कर लूं तो बाकी प्रॉफिट कितना बचा, रिटेन अर्निंग कितनी बची? ये किस डेट की? ये सर अभी 3200 जून एक्विजिशन। के एक्विजिशन अक्सर क्या होता है, अक्सर या तो वो बाद की रिटर्न अर्निंग दे देता है या पहले की रिटर्न अर्निंग दे देता है, जिस डेट की चाहिए वो नहीं देता। तो हमें ये वर्किंग करनी पड़ेगी कैलकुलेट करने के लिए। और ये 3200 की जो वर्किंग है ये उठाकर हमने रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन यहाँ पर ऐड कर। उसके बाद हम आ गए किसके ऊपर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर। अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर, डिक्रीज हो रही है। इतने से 1200 से, तो 1200 से अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर ये आ गया 1200। अक्सर क्या होता है, यस सर, इंक्रीज हो रही होती है तो हम प्लस कर देते हैं, यहाँ डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इंक्रीज होती है तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन अब प्लस होगा। यस सर, कितनी लाइफ बाकी रह गई? 8 साल 8 साल, और हमें अभी 4 महीने हुए हैं सिर्फ। तो 1200 डिवाइडेड बाय 8, 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, और 4/12 कर दिया तो ये 4 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। 50 सर। 50 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये नेट एसेट एट एक्विजिशन आ गए और ये नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट आ गए। कैलकुलेट करें, ये 7000 है। सर 8350 एक्विजिशन पे है 7000, रिपोर्टिंग डेट पर है 8350। पोस्ट कितना होगा? सर, 8350। पोस्ट क्या होता है? एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट का डिफरेंस, एडिशनल सर प्रॉफिट अर्न्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी। ये पोस्ट जो है ना बड़े काम की चीज है। इस पोस्ट में हम एनसीआई की वर्किंग में भी यही पोस्ट इस्तेमाल करेंगे और रिटेन अर्निंग की वर्किंग में भी यही पोस्ट इस्तेमाल करेंगे। और एक्विजिशन ये जो 7000 है ये गुडविल की कैलकुलेशन में चली जाएगी। अब हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल निकालने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए थी, तीन चीजें मैंने तैयार कर ली। सबसे पहले क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमने वर्किंग की थी और वर्किंग नोट का रेफरेंस आप दें, और ये हमने 20,000 यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हमने प्लस करना है फेयर वैल्यू ऑफ वैल्यू एन सी आई एट एक्विजिशन, जो कि हमने कैलकुलेट नहीं किया, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था 3.5 मिलियन। अक्सर ये गिवेन होती है चीज। अक्सर ये गिवन होती है ना, या एग्जामिनर कैलकुलेट भी करवा सकता है, दोनों बातें हैं। और उसके बाद हमने इसमें से माइनस कर देना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, क्योंकि हमने 7000 निकाला, यस सर, माइनस कर दें। सर 16500। ये एक्विजिशन पे गुडविल आ गई, यस सर, ये पॉजिटिव गुडविल है, बैलेंस शीट में जाएगी। यस सर। सर इसमें से वो इम्पेयरमेंट माइनस जो इसमें आपने से बताया था। इंपेयरमेंट माइनस करेंगे ताकि रिपोर्टिंग डेट की गुडविल आ जाए। इंपेयरमेंट कितना हुआ है? इंपेयरमेंट हुआ है 1.5 मिलियन। सर 15,000। ये एसओएफपी में जाएगी, ठीक यस है। अच्छा, ये जो इम्पेयरमेंट आई है 1500 की, इस इम्पेयरमेंट की एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट, एनसीआई डेबिट और गुडविल क्रेडिट। एनसीआई डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इम्पेयरमेंट का लॉस फुल गुडविल मेथड है, तो पेरेंट को भी जाएगा और एनसीआई को भी जाएगा, दोनों पार्टी बेयर करेंगी। पेरेंट की परसेंटेज है 80%, तो 1500 का 80% पेरेंट को जाएगा, 1200। 1500 का 20% किसको जाएगा? एनसीआई को। और टोटल गुडविल में से हमने कितना क्रेडिट कर दिया? 1500।
15 से। ये एडजस्टमेंट है हमारी ना, याद रखनी है, जब हम सीआरई और एनसीआई वगैरह बना रहे होंगे तो ये एडजस्टमेंट नंबर आ गई 2। एक एडजस्टमेंट हम शेयर्स की ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की, ठीक है। अब दूसरी एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास एडजस्टमेंट है 2, 3 एंड 4। 5, 6 और 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2, 3 एंड 4 पे आ जाते हैं। प्रीमियर, प्रीमियर है पेरेंट कंपनी। प्रीमियर हैड 2 मिलियन एट कॉस्ट टू प्रीमियर। प्रीमियर के पास 2 मिलियन की इन्वेंट्री है जो कि प्रीमियर ने 2 मिलियन की खरीदी थी। दैट हैड बीन सप्लाइड इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड बाय सैनफर्ड। अच्छा, प्रीमियर के पास 2 मिलियन की इन्वेंट्री है जो कि उसने खरीदी है सैनफर्ड से, तो सैनफर्ड सेलर हुआ, सेलर यस कौन सर, हुआ, सेलर इज, सैनफोर्ड, सेलर इज सब्सिडरी, सैनफोर्ड सब्सिडरी सेलर हुआ। ये सैनफर्ड, रिसीवर सैनफर्ड ने कितने मार्कअप के ऊपर बेचा इसको, 25%। मार्कअप ऑन कॉस्ट, सही यस सर, है, ऑन दी सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 मिलियन दिया हुआ ना प्रीमियर के लिए, 2 मिलियन है तो प्रीमियर के लिए तो ये सेल्स वैल्यू होगी। सब्सिडरी के लिए सेल्स होगी, प्रीमियर के लिए कॉस्ट होगी। अच्छा, ये जो यस लिखा हुआ सर, है ना, हेड 2 मिलियन एट कॉस्ट टू प्रीमियर, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि यार ये मार्कअप दिया हुआ है। स्टूडेंट 2 मिलियन पे सोचेगा, मैं मार्कअप 25% 2 मिलियन पे लगा दूं डायरेक्ट, ये तो कॉस्ट है। सर मैं भी यही करने जा रहा था, अच्छा, आप मल्टीप्लाई बाय सोचिए, 100 डिवाइड बाय 125। आप सोचें, एट कॉस्ट टू प्रीमियर का मतलब है जो भी सेलर की प्राइस होगी वो खरीदने वाले के लिए तो कॉस्ट ही बनेगी ना। यस सर, इसका मतलब है ये सेल्स प्राइस है 2 मिलियन, और सेल्स प्राइस पे मार्कअप नहीं लगता, मार्कअप तो कॉस्ट पे लगता है, यस सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 2 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो ये सारी की सारी अनरियलाइज्ड होगी क्योंकि उसे स्टॉक में पड़ी हुई यस सर, है। तो अब हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की पी यू आर पी, PURP सेलर इज सब्सिडी। तो आपकी सेल्स वैल्यू है 2 मिलियन, मार्कअप दिया हुआ है 25%। 2 मिलियन का 25% निकाल देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। मार्कअप लगता है कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट 100, प्रॉफिट परसेंटेज 25, सेल्स वैल्यू 125 मार्कअप। यस सर, तो इसका मतलब है 2000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा पी यू आर पी। इतना अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक में रखा हुआ है, सब्सिडी ने बेचा पेरेंट के स्टॉक, 400, कितना आ गया, 400 सर, 400। तो जब भी अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करने होंगे तो केयरफुली हमें देखना है कि सेलर कौन है। नंबर वन, जो वैल्यू आपको दी हुई है वो कॉस्ट है, सेल्स प्राइस है, साथ मार्कअप दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, कितना स्टॉक मौजूद है, ये वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट्स पास पेपर में मिल जाएंगे। अब ये क्योंकि सेलर कौन है, तो सेलर सर वो है आपका, कहते हैं सब्सिडी, एंट्री पास होगी रिटेन अर्निंग डेबिट, एनसीआई डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। 400 का 80% पेरेंट को जाएगा, यानी कि 320, 400 का 20% जाएगा एनसीआई को, यानी कि 80, और 400 से कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। अगर यही सेलर पेरेंट होता तो रिटेन अर्निंग 400 से डेबिट होती और स्टॉक 400 से क्रेडिट हो जाता, फिर एनसीआई का इफेक्ट यहाँ से क्या हो जाता, खत्म हो जाता। रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्लान, अब जब इंट्रा ग्रुप हो रहा है तो रिसीवेबल पेएबल भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब वो कह रहा है प्रीमियर जिसने ये गुड्स खरीदे थे उसके पास पेएबल है जो उसको सैनफर्ड को देना है 3,50,000 का एज एट 30 सितंबर। पेरेंट की बुक्स में ट्रेड पेएबल के अंदर 3,50,000 की लाइबिलिटी शो हो रही है सब्सिडरी को देनी है उसको, लेकिन ये सब्सिडरी के रिसीवेबल्स के अंदर से मैच नहीं हो रही,
सही, क्यों मैच नहीं हो रही? जीरो क्यों मैच नहीं हो रही? क्योंकि सर उसको 1,30,000 की पहले ही पेमेंट हो चुकी है क्योंकि सैनफोर्ड को, इसलिए मैच नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है, दिस डिड नॉट एग्री विद द कॉरस्पॉन्डिंग रिसीवेबल्स इन सैनफर्ड्स बुक ड्यू टू अ 130,000 पेमेंट मेड टू सैनफर्ड। किसने? प्रीमियर ने तो पेमेंट कर दी, लेकिन सैनफर्ड ने अब तक रिकॉर्ड ही नहीं की, तो ये कैश इन ट्रांजिट की तरह है। एंट्री जो है ना, वो रिसीवेबल वाले ने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है, अकाउंट्स पेबल है 350 का, लेकिन जो रिसीवेबल है ना वो 130 से ज्यादा है, तो रिसीवेबल है 480 का, ये डिफरेंस है। और बैलेंस क्या है? 130 का कैश इन ट्रांजिट। अब हमें क्या करना होता है, हम कैश इन ट्रांजिट को रिकॉर्ड करेंगे, कैश इन ट्रांजिट को रिकॉर्ड करेंगे कितना, 130। पेबल कितना है, 350, उसको डेबिट करके खत्म कर देंगे। अच्छा, रिसीवेबल दिया हुआ नहीं था ना, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली रिसीवेबल कितना होगा, 80 480। तो एक पार्टी के रिसीवेबल उड़ा दिए हमने, और दूसरी पार्टी के हमने पेबल उड़ा दिए, और कैश इन ट्रांजिट को हमें रिकॉर्ड करना है। ये तीन अफेक्ट बैलेंस शीट में जाएंगे, कैश में ये ऐड होगा, पेबल में से ये माइनस होगा, रिसीवेबल में से ये माइनस होगा। इसके अंदर भी कंफ्यूजन आती है एग्जाम में, कि आपको ये क्लैरिफाई करना है कि ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, वो आइडेंटिफाई करना है, या तो कैश इन ट्रांजिट होगा या गुड्स इन ट्रांजिट होगा। और बाज दफा ऐसा भी हो सकता है, पास पेपर में मौजूद है, कि दोनों एडजस्टमेंट दे दी उसने, कुछ कैश इन ट्रांजिट है, कुछ गुड्स इन ट्रांजिट है, कुछ चीजें जो है ना वो इस पॉइंट के ऊपर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी मसला क्लियर हो जाएगा। पांचवी एडजस्टमेंट। अच्छा, हमने ये बात की थी कि पेरेंट की जो इन्वेस्टमेंट साइड थी ना, ये देखें दोबारा इधर आ जाए, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट कितनी है बुक्स में, 1800। 1,800 1800 में से 800 कैश कंसिडरेशन थी, शेयर एक्सचेंज रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो ये 1,000 क्या थे, ये क्या है? इस 1,000 को वो एक्सप्लेन कर रहा है नीचे, ये 1,000 क्या है। पॉइंट नंबर 4 में, प्रीमियर इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विच एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वर क्लासिफाइड एज FVTOCI। ये सही सर, IFRS 9 की सिंगल कंपनी की एडजस्टमेंट डाल दी उसने, के पेरेंट के पास एक इन्वेस्टमेंट मौजूद है जो FVOCI के ऊपर रिकॉर्ड हुई है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें 3 लाख का गेन आया ड्यूरिंग द ईयर, और जो अदर इक्विटी रिजर्व्स है ना वो इसी से रिलेटेड है, और वो 30 सितंबर 2009 की वैल्यू पर है, यानी कि इस साल का जो गेन है वो उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अब देखें ऊपर, देखें क्या इक्विटी रिजर्व है हमारे पास पेरेंट के पास। पेरेंट ने ये जो 500 के रिजर्व बुक किए हुए ना, ये उस इन्वेस्टमेंट का पिछले साल का गेन है, यस सर, और और इस तीन बार 300 का इस बार हंड्रेड थाउजेंड का गेन आ गया, तो हम रिकॉर्ड करेंगे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, जो के कौन सी है, वो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट है FVTOCI वाली। तो गेन होता है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे बाय 300, और OCI क्रेडिट हो जाएगा, या इक्विटी रिजर्व क्रेडिट कर देंगे अगर डायरेक्ट बैलेंस शीट बना रहे हैं, P&L नहीं बना रहे हैं, 300 से इक्विटी रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। ये किसकी बुक्स में हो रही है एंट्री, सही है, अपनी इसके फ्रेंड की इसलिए इसमें NCI नहीं आया, ठीक है। जहां पे एनसी आ जाए वहां पे वो सब्सिडी की हो, और अगर वो अगर सब्सिडरी की बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट होती, यही एंट्री होती सब्सिडरी की बुक्स में, तो फिर ये जो गेन था ना 300 का, इस गेन में NCI की शेयरिंग भी आ जाती, क्योंकि सब्सिडरी की बुक्स में जो भी गेन लॉस कुछ भी होगा तो NCI बीच में कूदेगा, कहेगा मेरा हिस्सा भी तो है।
यस सर, ठीक है। तो ये जितना भी उनका केयर, पर्सन के हिसाब से होगा उनका हाँ तो ये भी उसको करेंगे। केयरफुली देखना है कि हम किसकी बुक्स के अंदर एडजस्टमेंट पास कर रहे हैं। अब देखें, ग्रुप स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाली, एनसीआई निकाला, गुड नेट एसेट्स निकाले, गुडविल कैलकुलेट की, सारी एडजस्टमेंट्स पास की, एंट्रीज पास हो गई। अब निकालना है रिटेन अर्निंग, एनसीआई, और उसके बाद बैलेंस शीट कंक्लूड करनी है। तो हम निकालते हैं एक और वर्किंग, हम करेंगे कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की। कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट डेट पे निकलेगी, 30 सितंबर 2020, पेरेंट की फुल रिटेन अर्निंग और सब्सिडरी का पोस्ट प्रॉफिट में शेयरिंग, शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी। पोस्ट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ देखें, पेरेंट की फुल रिटेन अर्निंग कितनी है बैलेंस शीट डेट के ऊपर सवाल में दी हुई है। पेरेंट के पास रिटेन अर्निंग है 12,300, 12,300 यह आ गई 12,300। यस सर। सब्सिडरी का पोस्ट प्रॉफिट हमने वर्किंग नंबर वन में निकाला था नेट एसेट्स के अंदर, यस सर, 1350। पोस्ट प्रॉफिट कितना है 1,350। 1,350 में पेरेंट की शेयरिंग थी 80% ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर, निकाल। तो इसमें से भी 80% निकालना ही निकालना है। 1,350 का 20% तो एनसी आएगा, तो 80 लूंगा ना, 1,080 सर। इन दोनों को प्लस करो। सर 13,380। ये बगैर एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब इसमें एडजस्टमेंट डालते हैं, तो एडजस्टमेंट में जो एंट्रीज हमने पास की उसमें एक पीयूआरपी की एडजस्टमेंट थी, एक यस सर, एडजस्टमेंट इंपेयरमेंट की थी, ठीक यस सर, है। एक एडजस्टमेंट जो है वो गेन की थी, लेकिन वो इक्विटी रिजर्व में जा रही है, वो रिटेन अर्निंग में नहीं आ रही। तो अब जो मैंने पीछे एंट्रीज पास की है ना, मैं उनको चेक करता हूँ। गुडविल की इंपेयरमेंट की एंट्री में रिटेन अर्निंग आ रही है 1,200, यस सर, 1200। तो 1,200 से ये आ गई, 1,200 से ये क्रेडिट हो गई। नाइस। इसी तरीके से मैंने पीयूआरपी की एंट्री पास की है रिटेन अर्निंग डेबिट बाय 320, यस सर। ये 320 हो गई। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट तो ओसीआई में जाता है, वो तो इधर आएगा ही नहीं, वो तो रिजर्व में जाएगा अलग से, वो नहीं आएगा इसके अंदर। शेयर्स की एडजस्टमेंट में कुछ और भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट ये कह सकता है वो डेप्रिसिएशन भी तो था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का, तो यस उसकी सर, एंट्री इसलिए पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वो इसमें लेके जा चुके पोस्ट में, शामिल है वो फेयर यस वैल्यू सर, एडजस्टमेंट, उसकी एंट्री अलग से पास हम नहीं करते। नेट एसेट कॉलम बनाने का फायदा यही है कि उसके अंदर जो कुछ आ गया उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बैलेंस सर, शीट में 11,860। ठीक ये जाएगा एसओएफपी के अंदर। है सर। अच्छा, ये बन गया, तो फिर एनसीआई निकालना तो बहुत आसान है, एनसीआई तो बिल्कुल आराम से निकल आएगा। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, क्योंकि हमने गुडविल की कैलकुलेशन में लिया था 3,500, इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट। वो पोस्ट प्रॉफिट अभी हमने ऊपर रिटेन अर्निंग में डाला है, यस सर, कितना था 1,080। 1,350 का 80, तो उसी 1,350 का 20 इसको दे दूं, यस सर, 270 यस सर, 270 है। ऐड करें। सर 3,770। इसमें एडजस्टमेंट यस सर, डालें, इम्पेयरमेंट, क्योंकि फुल गुडविल मेथड है, तो जो इम्पेयरमेंट ऊपर गई है वो इम्पेयरमेंट नीचे आएगी। यस सर, इम्पेयरमेंट की एंट्री में देखें, एनसीआई डेबिट हुआ था 300 से, तो यस सर, एनसीआई में ये 300 माइनस कर दें। अच्छा, पीयूआरपी भी था, यस सर, तो पीयूआरपी की एडजस्टमेंट थी हमारे पास, उसमें सेलर कौन था, सेलर सब्सिडरी था। अच्छा, एंट्री बनी हुई होगी ना, तो याद रहता है यस सर, हमें ना, वर्किंग में अगर हम एंट्री नोट बना के डाल दें तो
एनसीआई 80 से डेबिट हो रहा था, यस सर। एनसीआई 80 से डेबिट हो गया, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, तो एनसीआई कितना आ जाएगा? 3390 90 3390, तो ये आपका एनसीआई आ गया। एनसीआई। ठीक है, अब हम बनाएंगे कॉन्सोलिडेटेड एसओएफपी। अब सिंपल फॉर्मेटिंग करनी है, जो वैल्यूज हमने निकाली है उसको सिर्फ कंबाइन करना है, और कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का जो प्रिंसिपल है, क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ लेस करनी है, कौन सी चीज़ लेंगे कौन सी चीज़ नहीं लेंगे, वो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, सर फॉर्मेट में हमें एक दो चीज़ें देंगे बनाने के लिए, या तो हमें एसओएफपी देंगे या तो हमें वो इनकम स्टेटमेंट देंगे, दोनों में से एक चीज़। जी दोनों में से एक चीज़ आती है, कभी कभार सवाल इतना सिंपलीफाई किया जाता है तो दोनों भी बनाने को दिया जा सकता है। ठीक सर। आप इसी बैलेंस शीट के फॉर्मेट को इस्तेमाल करूंगा, तो इस बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट साइड पर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है वो कंबाइन करूंगा, फिर यस इन्वेस्टमेंट है सर। उसको चेक करूंगा कितनी वैल्यू लूंगा, फिर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है वो कंबाइन करूंगा, रिसीवेबल कंबाइन करूंगा, बैंक बैलेंस कंबाइन करूंगा। इक्विटी सिर्फ किसकी लेते हैं? पेरेंट कंपनी की, इक्विटी सब्सिडरी की नहीं लेते। अदर इक्विटी रिजर्व ऐड करूंगा इसके अंदर, रिटेन अर्निंग यहाँ से नहीं लूंगा, वर्किंग की हुई है मैंने, यस सर। एनसीआई डालूंगा। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज को मर्ज करूंगा तो होपफुली हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टाई हो जाएगी। अब देखें, पीपीई में हमारे पास है 25,500 और 13,900। तो पहला आइटम हमारे पास क्या आ गया? प्रॉपर्टी प्लान ये पेरेंट सब्सिडियरी को प्लस कर दिया। अब इसके अंदर एक चीज भूल जाते हैं स्टूडेंट, के फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी तो आएगी, इंक्रीज या डिक्रीज जो किया था, तो प्रॉपर्टी 1200 से डिक्रीज हुई थी और 50 का उस पर डेप्रिसिएशन था, तो 1200 से माइनस किया और 50 इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपका पीपीई कॉन्सोलिडेटेड हो गया। कितनी वैल्यू आएगी पीपीई की? सर 38,250। 38,250। ठीक यस सर। है, अच्छा उसके बाद गुडविल आएगी 38,250। गुडविल का तो हमारे पास वर्किंग नोट बना हुआ है। यस उसके सर। बाद इन्वेस्टमेंट आएगी नॉन करेंट एसेट साइड के ऊपर। अच्छा, गुडविल तो हम ऊपर से उठा लेंगे, जितनी भी बची थी हमारे पास गुडविल, नेट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 15,000 की गुडविल हमारे पास बच गई थी आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, ये 15,000 यहाँ आ गए। यस सर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी हुई थी 18,000 की। ठीक है, यस सर। इसमें से 8,000 तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी थी, वो तो कैंसिलिंग आइटम होगा, वो तो हट जाएगा, और 300 का उसके ऊपर गेन आया था, वो गेन इसमें ऐड होगा। कौन सा वाला? इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट का यस सर। इन्वेस्टमेंट जो डेबिट की थी वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये था, एक सेकेंड में वैल्यू थोड़ी सी टाई कर लेते हैं। ये 18,000 थी, 1800 थी, ये थी 1800 और 800, नॉट यस सर। 18,000, 10 हटा दें, तो 1800 माइनस 800, 1000 प्लस 300, 3,900। 1300, ये आपके नॉन करंट एसेट्स हो गए, इनको ऐड करें। सर 54,000 54 550 ये नॉन करंट एसेट्स हो गए। यस सर। अब रिसीवेबल्स पेबल साइड पे, करंट एसेट साइड पर आ जाते हैं, तो करंट एसेट्स में हमारे पास हैं इन्वेंट्री, रिसीवेबल और बैंक बैलेंस। इन्वेंट्री आ गई, रिसीवेबल आ गया और बैंक बैलेंस आ गया, इनको कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि एडजस्टमेंट को देखना है कि एडजस्टमेंट तो नहीं है कोई इसके अंदर। तो इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 5,300 प्लस 500, 5,300 प्लस 500, इसमें इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की एडजस्टमेंट थी, इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही थी बाय 400, ये माइनस कर दें,
ये हो जाएगा 5,400। 400 इसी तरीके से रिसीवेबल को कंबाइन कर देते हैं, रिसीवेबल में भी एडजस्टमेंट है, तो रिसीवेबल हमारे पास आ रहा है 4,200 प्लस 1,100, सर 4,200 प्लस 1,100 रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था, यस सर 480 यस रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था 480 से, तो सर 480 माइनस कर दें, ये सारी इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग माइनस होती रहेगी इसमें हाँ, से। इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल, इंट्रा ग्रुप पेएबल, इंट्रा ग्रुप स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट, ये सब इसमें से माइनस होते चले जाएंगे। वैल्यू सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी यही होगा ना कि जब हम सेल्स का हम निकालेंगे सेल्स में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम रियलाइज वो भी प्रॉफिट एडजस्टमेंट करनी ऐड अप पड़ेगी, करेंगे सर। बिल्कुल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वैल्यू सर इसके आइए 4820 उसके बाद हमारे पास है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हमारे पास जो आ रहा है, उस बैंक बैलेंस में हमारे पास 3,000 और 800, 3,800 तो ये बैंक बैलेंस दिया हुआ है। सर अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी बैंक बैलेंस के अंदर, तो 3,800 तो ये हो गया। फिर एक कैश इन ट्रांसिट आया था 130 का, यस सर 130 का यस तो सर 130 वो का वो उसमें कैश इन ट्रांजिट हमने इसमें प्लस कर दिया। जी, था वो जो उन्होंने रिकॉर्ड ही किया था सर। 39 30। करंट एसेट का टोटल निकालें कितना हो रहा है, सर 14150 14,150, ये प्लस कर दें नॉन करंट एसेट में। सर 68700 68,700 700 हमारी इक्विटी और लायबिलिटी साइड का टोटल भी यही आना चाहिए। ठीक68700 है, अब हम इक्विटी साइड पे आ गए। सर इक्विटी में हम शेयर कैपिटल हमेशा पेरेंट कंपनी का लेंगे, सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाता है कंसोलिडेशन प्रोसेस में। ठीक ओके सर है, और पेरेंट ने शेयर इशू किए थे तो प्रीमियम भी आया था, प्रीमियम को हम यस सर अलग हेड शेयर में में डालेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इक्विटी रिजर्व्स पड़े हुए हैं पेरेंट की बुक्स में, वो लेंगे। उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग आएगी, सर अब ये हम निकालते हैं। तो शेयर कैपिटल उसमें ऊपर जो बैलेंस शीट दी हुई थी इंडिविजुअल, उसमें शेयर कैपिटल पेरेंट का था 12,000 का, और उसमें हमने एक एंट्री पास की थी। तो 12,000 प्लस 2,400 ये हो गया आपका 14,000 14,400 400 प्रीमियम हमारे पास आया था 9,600 का। इक्विटी यस रिजर्व सर हमारे पास सवाल में कितने दिए हुए, इक्विटी रिजर्व सवाल में हमारे पास दिए हुए हैं पेरेंट के बुक्स में 500, इसके अंदर हमने 300 की एडजस्टमेंट पास की थी, ये कितने हो गए, 800 ये वर्किंग नंबर, वर्किंग नोट हमारे पास आ रहा था रिटेन अर्निंग का, यस इलेवन सर इलेवन 860। अब इसका टोटल करें, ये पेरेंट की इक्विटी आ गई, पेरेंट्स शेयर ऑफ इक्विटी आ गई 36,660 36,660। सिक्सटी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेरेंट्स शेयर ऑफ इक्विटी इन ग्रुप। सर अब एनसीआई की वर्किंग से हमने ये निकाल लिया, एनसीआई की जो हमने वर्किंग की थी कितना आंसर था एनसीआई की वर्किंग का, एनसीआई की वर्किंग का आंसर हमारे पास है 3390 3,390, ये ऐड कर लें। सर 4050 4,0050 यस सर 4005 ये ग्रुप की इक्विटी आ गई, ये ग्रुप की इक्विटी। ठीक है, यस सर अच्छा, अब हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी तो है नहीं, तो हमें करंट लायबिलिटी इसके अंदर प्लस कर देनी है। तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास सवाल में क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी में हमारे पास सवाल में दिया हुआ है 15,000
6,800, टोटल कितना हो गया? 21,800। सर। ये तो बगैर एडजस्टमेंट के आ गए, 21,800 तो बगैर एडजस्टमेंट के आ गए, 21,800। इसमें से पेबल माइनस हो रहा था इंट्रा ग्रुप यस सर, 350 का, 350 का है सर। 350 माइनस कर दें। सर ये 2100, 21,450 है। इन दोनों को प्लस कर दें, सर 61,500। ये 61,500 एसेट साइड के बराबर आना चाहिए। सही यस सर। है, एसेट साइड के ऊपर वैल्यू हमारी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो हम एसेट साइड को चेक कर लेते हैं। तो एसेट साइड के ऊपर जो हमारी वैल्यू आ रही है, उसमें डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है ना, तो डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। डिफरेंस हमारे पास आ रहा है गुडविल के अंदर, तो गुडविल को चेक कर लेते हैं, गुडविल में कोई मिस्टेक है। तो गुडविल जो हमारे पास आ रही थी, वो हमने जो निकाली है वो निकाली थी, हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू आ रही है ना, तो वो वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये ज़रा वर्किंग दोबारा चेक करें। ये वर्किंग 23,500 में से 7,000 माइनस करें। सर 16,500। अच्छा, मिस्टेक पता हमसे क्या हुई? मिस्टेक हमसे ये हुई है, थोड़े से जीरो की वजह से मिस्टेक हुई है, वो करेक्ट कर लेते हैं। मिस्टेक हमसे ये हुई कि वो 12,000 समथिंग जो आ रहा था ना, यस सर। वो 12,000 के साथ 8,000 नहीं था, वो 800 था। तो वो था 12,000 प्लस 800, वो 12,800 था, हमने उसको 8,000 लेके 20,000 कर दिया। तो इसको ज़रा दोबारा देख लें, ये दोबारा चेंज करें। 12,800 प्लस 3,500, 16,300। 16,300 में 7,000 माइनस करें, 9,300। 9,300 में से 1,500 माइनस करें, कितना? 7,800। 7,800। 7,800, 7,800। तो अब हमारी बैलेंस शीट में हम 7,800 डाल देते हैं उसकी जगह। ये आ गई हमारी वैल्यू 7,800, ये चेंज कर दें। टोटल जो वैल्यू आनी चाहिए ना, वो आनी चाहिए 47,350, और 47,350 सर आ गई, आ गई ये सिक्सटी ऐड, वन फाइव हंड्रेड हाँ ये ऐड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। 61,500 ही हमारा आंसर है। सर। 1-0 की वजह से कहाँ से कहाँ सवाल हो जाते। हाँ, ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि फाइनल बैलेंस यस शीट सर। बराबर करना हमारा एजेंडा नहीं होता, हमारा एजेंडा होता है सवाल की वर्किंग सही करनी। तो ठीक है सर। ये हमारे पास ये वैल्यूएशन हमने ठीक कर दी, इसको ठीक कर देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो इफेक्टिवली ठीक होगा। क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट क्या है? कंसोलिडेटेड एसएफपी बनानी है 30 सितंबर 2001, फुल एसएफपी का क्वेश्चन। अब देखना ये क्या ये मिड ईयर एक्विजिशन है। तो देखें,
1st अक्टूबर 2080, क्या ये मिडियर एक्विजिशन? काउंट यस सर, मीडिया एक्विजिशन है सर ये करो, पर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नहीं है, फुल ईयर एक्विजिशन, ये फुल ईयर एक्विजिशन है। तो इसमें हो सकता है कि रिटेन अर्निंग वाला मसला ना दिया हो, ठीक है। सर अच्छा, मैं पैलेडिन नीचे देख रहा था सर अभी। ने मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर किए हैं सैरासिन के अंदर, ठीक है। कितने एक्वायर किए हैं वो डायरेक्टली बताया हुआ नहीं, उसने कह रहा मेजॉरिटी एक्वायर किए हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे एक्वायर किए हैं? $4 पर शेयर की इमीडिएट पेमेंट की, ये कैश कंसिडरेशन हो गई, यस ये तो कैश कंसिडरेशन निकल आएगी, $4 के हिसाब से कितनी। और फर्दर अमाउंट उसने कहा है मैं 1st अक्टूबर 2081 को दूंगा 5.4 मिलियन, ये डेफर हो गया, सर कब देगा? एक साल बाद। तो इसकी पीवी निकालेंगे, पीवी निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। यस सर 8% पर अब आएगा। उस वो कह रहा है द इमीडिएट पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड, यानी कि कैश कंसिडरेशन रिकॉर्ड हो चुकी, लेकिन डेफर्ड पेमेंट अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? डेफर्ड पेमेंट सर डेफर्ड सर पेमेंट को। अच्छा, कैश कंसिडरेशन अगर रिकॉर्ड हुई होगी तो उसकी बैलेंस शीट में आ रही होगी, यस सर उसकी बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में, सब्सिडरी के कितने मिलियन शेयर्स एक्वायर की? अच्छा, सर 8 मिलियन एक तरीका शेयर्स। तो ये होता है कि वो पहले पैराग्राफ में बता दे कि हमने कितनी परसेंटेज एक्वायर की। दूसरा तरीका होता है वो परसेंटेज नहीं बताता, स्टूडेंट को ढूंढनी पड़ती है परसेंटेज, ये निकालनी पड़ती है। तो इसने कितने मिलियन शेयर्स खरीदे 8 मिलियन शेयर्स सर और उसके कितने मिलियन शेयर्स हैं? 10 मिलियन। 10 मिलियन 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 80% कंट्रोल एनसीआई हो गया 20%, सही। यस सर तो ये परसेंटेज हमारी आ गई, कैश कंसिडरेशन की वैल्यू रिकॉर्डेड है 32,000। अब हमें डेफर्ड की वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। यस सर डेफर्ड की वैल्यू कितनी है? 5.4 फाइव मिलियन, पॉइंट फोर मिलियन डिस्काउंट रेट कितना है? 8%। तो 8% हम डेफर्ड कंसिडरेशन की पीवी निकालते हैं, सर 5.4 मिलियन इन 1 ईयर्स टाइम, 8% का डिस्काउंट फैक्टर है ना, कॉस्ट यस ऑफ कैपिटल है 8%, तो 8% का एक साल का फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 पावर 1 लग जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 करो, सर 0.925 जीरो सर पॉइंट 0.925 के बाद 2.5 के बाद 9 है। सही है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.925 से तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक सर है। 4995 इसको हम अप्रोक्सीमेटली 5,000 ले सकते हैं, ये 5,000, ठीक है। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? पेरेंट बुक करेगा इन्वेस्टमेंट डेबिट और लायबिलिटी डेफर्ड कंसिडरेशन के नाम से लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, और जो चीज प्रेजेंट वैल्यू पे सर निकलती है, जो चीज प्रेजेंट वैल्यू पे निकलती है बाद में उसमें अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट आएगा प्रेजेंट वैल्यू की वजह से। सर अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी हो गई? बत्तीस कैश हो गया था हजार और 32,000 यस सर और 5,000 डेफर्ड पीवी पे कितना आ गया था? 5,000। टोटल कितना हो गया? सर 37,000 अब पिछले एग्जांपल में डेफर्ड नहीं था, ठीक है। एक और सवाल किया, उसमें यस शेयर सर एक्सचेंज नहीं है, डेफर्ड आ गया, ये डेफर्ड हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्लियर। अच्छा, सर ये जो इसने इसको इंफॉर्मेशन, राउंड ऑफ कर देंगे हम पूरा। हाँ कर दें, कोई मसला नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है ना, ये एसोसिएट की दी हुई है। ये अगला पैराग्राफ इसने बताया भाई, आपके पास तीन कंपनीज हैं, एक एसोसिएट भी है, एसोसिएट की अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है, एसोसिएट को तो फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाए एडजस्टमेंट से, पहली एडजस्टमेंट देखें,
गुडविल मेथड इस्तेमाल करना है, यस सर, नॉन यस ठीक है? क्या एनसीआई दिया हुआ है? एनसीआई नहीं दिया हुआ, नहीं दिया वो 3.5 हम जीरो की दी क्या टू एट निकालेंगे? फाइव फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, ये भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है? यस और सर उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स सब्सिडरी के चाहिए, एनसीआई की परसेंटेज चाहिए, शेयर प्राइस चाहिए, निकल आएगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, ठीक है? सब्सिडरी के पास सर टोटल शेयर्स कितने? 2,000 10 मिलियन 10,000 टोटल दस टोटल, 10 मिलियन, मिलियन ठीक है? एनसीआई की परसेंटेज कितनी है, कितने 20% शेयर्स हो गए? थाउजेंड इन 2000 की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? सर 3.50 7,000 ये 7000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा बाद में जाके गुडविल की कैलकुलेशन में, ठीक है? अच्छा, सर अब सेवन फेयर वैल्यू थाउजेंड एडजस्टमेंट आएगी अगले फेयर साल में, वैल्यू फेयर एडजस्टमेंट वैल्यू एडजस्टमेंट। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वॉज इक्वल टू इट्स कैरिंग अमाउंट विद द एक्सेप्शन ऑफ प्लांट हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 4 मिलियन अबव इट्स कैरिंग अमाउंट। तो ये अपलिफ्ट हो गया, सर पिछले पिछले एग्जाम्पल में लोअर वैल्यू हो रही थी, 4 मिलियन हो गई। रिमेनिंग यस सर लाइफ कितनी है? सर 4 इयर्स है अब 4 इयर्स डेप्रिसिएशन माइनस का होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर निकाल दें, तो सर 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? आधार ये नेट एसेट की वर्किंग में दोनों वैल्यू चले जाएंगे। अच्छा, एक और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, पैलेडिन ने सेरेसिन की कस्टमर रिलेशनशिप को वैल्यू किया। अच्छा, कस्टमर रिलेशनशिप तो इंटेंजिबल एसेट होता है लेकिन इंटरनली जनरेटेड होता है ना, कोई यस सर इंडिविजुअल बैलेंस शीट में तो नहीं आ सकता लेकिन ग्रुप अकाउंटिंग में आ सकता है अगर उसकी वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है। तो इसने कस्टमर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया कि उसके पास एक कस्टमर रिलेशनशिप वर्थ कितने का मौजूद है, थ्री मिलियन क्योंकि उसने रिकॉर्ड नहीं किया वो, यस सेरेसिन ने सर उसको रिकॉर्ड, अच्छा सेरेसिन उसको रिकॉर्ड कर भी नहीं सकता, इंटरनली जनरेटेड है। यस सर और उसकी लाइफ कितनी है, सिक्स इयर्स तो इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन आएगी। सर 500 500 की, यानी कि दो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई इसमें। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर सब्सिडरी के पास कोई इंटरनली जनरेटेड एसेट है तो वो उसकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर पेरेंट उसके ऊपर कोई वैल्यू प्लेस कर रहा है और वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो उसको हमें लेना पड़ेगा। यस सर अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं हुआ तो गुडविल का पार्ट बन जाएगा, अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो सेपरेटली एसओएफपी में जाएगा। याद है इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन, इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यस सर ठीक है? ये एडजस्टमेंट हो गई। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है ना, वो तो वो इंट्रा ग्रुप वाली है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में कह रहा है इंपेयरमेंट टेस्ट हुआ है, कॉन्सोलिडेटेड गुडविल वॉज नॉट इम्पेयर्ड। कॉन्सोलिडेटेड गुडविल तो इम्पेयर्ड नहीं है, लेकिन जो एसोसिएट की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ एसोसिएट, वो 2.5 मिलियन से इम्पेयर्ड होती है। वो एसोसिएट के साथ देखेंगे क्या करना है उसके साथ, जो एसोसिएट की वैल्यू हुई है। सर लेकिन पहले हमेशा आपने बताया था गुडविल हिट होगी ना, तो हम उसको सबसे पहले 2.5 मिलियन एसोसिएट की हिट करेंगे ना गुडविल नहीं, उसे एसोसिएट से तो पेरेंट सब्सिडरी की गुडविल का ताल्लुक नहीं। सही अब इसके अंदर दो एडजस्टमेंट है हमारे पास, एक इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की एडजस्टमेंट है और एक एसोसिएट की एडजस्टमेंट है इंपेयरमेंट। लेकिन हमारे जो गुडविल तक के हमारी कैलकुलेशन होती है ना, उसका एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो हम गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रुप स्ट्रक्चर है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने निकाल ली है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी निकाल ली है, अब क्या करें? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स नेट एसेट के 2 कॉलम, ठीक है? मैं बता चुका हूँ ये सबसे की चीज़ है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन एंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट। शेयर कैपिटल आएगा सब्सिडरी का, रिटेन अर्निंग सर आएगी और उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसमें यस थी? सर प्लांट में थी, उसका डेप्रिसिएशन था, कस्टमर रिलेशनशिप थे, सर फेयर
यस सर, और कस्टमर कस्टमर रिलेशनशिप वही रिलेशनशिप की अमाउंट रहता मोनेटाइजेशन थी है। यस सर, उसकी अमोर्टाइजेशन। अब इसकी हम बैलेंस शीट से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बैलेंस शीट में सब्सिडरी का शेयर कैपिटल हमारे पास आ रहा है 10,000, उसकी रिटेन अर्निंग 1 अक्टूबर पे आ रही है 12,000, ठीक यस है, और सर, पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 6,000, यानी कि 12 और 6 को ऐड कर देंगे तो रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट आ जाएगी। इसने ब्रेकअप करके दिया हुआ है हमें, ठीक अक्टूबर है। अच्छा, क्योंकि ये मिड ईयर का मसला नहीं है तो रिटेन अर्निंग में प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। फर्स्ट अक्टूबर की भी दी हुई है और पोस्ट नहीं, 6,000 भी दिया का हुआ सामान उसने, रखा हुआ है सर, डायरेक्टली हम पुट कर देंगे इसका जी। ठीक है। तो हमारे पास शेयर कैपिटल आ रहा है 10,000 का, रिटेन अर्निंग आ रही है 12,000 की। शेयर कैपिटल 10,000, शेयर कैपिटल 10,000, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन 12,000 बारह और छह हजार 18,000। 18,000 इंक्लूड हो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट चार जाएगा, हजार डेप्रिसिएशन 1,000, 3,000 की रिलेशनशिप और 500 की अमोर्टाइजेशन। अच्छा, कभी कभार ऐसा होगा कि अगर तुम बुक का सोल्यूशन देखोगे, एग्जामिनर का सोल्यूशन देखोगे, तो वो नेट एसेट्स के अंदर भी पीयूआरपी डाल देता है, हम नहीं डालेंगे उसको, ठीक है। हम पीयूआरपी को, चाहे सेलर पेरेंट हो या सेलर सब्सिडी हो, हम पीयूआरपी को हमेशा अलग रख के सॉल्व करेंगे। तो ठीक है सर। 22,4, 2,603, 27,000 आ गए, यस सर, और इसका कितना हो जाएगा, 28, 32, 35, 34, 33,000। सर क्या 29,000 आ रहा है इसका, दस 29,000, बारह 22,4, 2,603, 29। यार यू आर राइट, 29,000 आ गए। दूसरा चेक करें, दूसरा सही, सर, सही है, बिल्कुल सही, 33,000 और कितना आ गया, 4,500 आएगा ना पोस्ट, है। यस सर, कितना आएगा, 4,500 सर, ये उसमें आ रहा है, माइनस सही, माइनस माइनस में में नहीं आएगा। रिटेन अर्निंग एट एंड, नेट एसेट एट एंड माइनस नेट एसेट एट स्टार्ट, तो प्लस में आएगा ना, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, पोस्ट प्रॉफिट है, लॉस भी आ सकता है, किसी सवाल में लॉस भी आ सकता है, तो ये क्या है, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। एंड में अगर ज्यादा हो तो प्रॉफिट है और कम है तो फिर लॉस है। सर हम गुडविल निकाल सकते हैं आराम से, गुडविल के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी। इंपेयरमेंट तो हुई नहीं है, तो नेट एसेट्स तो आ गए 29,000। एनसीआई कितना निकाला था, 7,000, और यस कॉस्ट ऑफ सर, इन्वेस्टमेंट निकाली थी 37, 37, 7,000, 37,000 और ये माइनस करें, गुडविल आ गई आपकी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। सर, 15 15,000 की गुडविल आ गई, ठीक है, ये गुडविल चली जाएगी एस ओ एफ बैलेंस शीट। टी के अंदर।